नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर प्यारा प्यारा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पढ़ने आए हो, कठिन लगता है तुमको? अब नहीं लगेगा, बहुत प्यार से और मक्खन की तरह समझ जाओगे। बस देखते रहना मुझको एक टक हो करके। चलो देखो, ये जो लाइन लिखी पैराग्राफ, ये मैं समझाऊंगा बाद में, पहले मैं आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अपनी भाषा में समझा दूँ। ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपसे कहता है कि अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे एक ए है और एक बी है, ठीक है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है, एक ए और एक बी, कंबाइंड करे जाते हैं किसी फिक्स्ड एलिमेंट से, जैसे ए को अगर एक्स से कंबाइंड किया है तो फिर बी को भी एक्स से कंबाइंड कर दो, ठीक। अगर आप ऐसा करते हो तो जिस रेशियो में ए और बी कंबाइन हुए थे, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो एक्स और ए का रेशियो x is to a आया है, और यहां पे देखो x और b का रेशियो x is to b आया है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस यूनिट में a ने ऊपर वाला रेशियो दिया और जिस यूनिट में b ने नीचे वाला रेशियो दिया, अगर इस यूनिट का रेशियो हम निकाल के रख लें कुछ इस तरह से, ठीक, निकाल के रख लें, इतना काम कर लेंगे ना। अब एक दूसरा काम सुन लीजिए, इतना काम करके रख लीजिए, फिर एक दूसरा काम भी करना है आपको। इस ए और इस बी को जरा कंबाइन करिए, कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बना ए बी। अब इसमें जरा रेशियो बताइए कितना आया, तो आप कहोगे सर कुछ और आया होगा, ए स्टार इज टू बी स्टार मान लेते हैं। ए और बी का जो रेशियो निकाला वो ए स्टार इज टू बी स्टार आया। अब ये लॉ आपसे कहता है कि जब आपने दो डिफरेंट एलिमेंट ए और बी को एक फिक्स्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किया सेपरेटली, ए को अलग एक्स के साथ कंबाइन किया और बी को अलग एक्स के साथ कंबाइन किया, ऐसा करने पर ए और बी जिस भी यूनिट में ऊपर वाला रेशियो और नीचे वाला रेशियो दे रहे थे, उस यूनिट का एक रेशियो निकाल लीजिए, तो आपको ए और बी का एक रेशियो मिलेगा। और जब ये ए और बी मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनके मॉलिक्यूल से भी एक रेशियो मिलता है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपसे ये कहता है कि ये पुराना वाला रेशियो और ये मॉलिक्यूल वाला रेशियो या तो आपको इक्वल मिल जाएगा, कि हो सकता है ये रेशियो और हो सकता है ये जो नया वाला रेशियो है ये आपको इक्वल मिल जाए, ठीक है, और अगर नहीं इक्वल मिला तो आपको कुछ इसका मल्टीप्लाई टाइम्स मिल जाएगा, यानी कुछ आपको इसका m टाइम्स मिल जाएगा। चलो बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझे। अब यही आपसे लॉ कहता है कि जब when two different elements combine, जब दो डिफरेंट एलिमेंट ए और बी कंबाइन करेंगे, अपने आपस में कंबाइन नहीं, कंबाइन करेंगे सेपरेटली, अलग अलग कंबाइन करने गए, ए अलग गया कंबाइन होने, बी अलग गया कंबाइन होने, कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ए अलग कंबाइन होने गया एक्स के साथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, बी अलग कंबाइन होने गया एक्स के साथ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ऐसा अगर होता है देन द रेशियो इन विच दे डू सो, तब जिस रेशियो में ए और बी के जिस रेशियो में इन्होंने ये काम किया था, ए और बी के जिस रेशियो में ये जा करके ए कंबाइन हुए थे और बी कंबाइन हुए थे, ए और बी के जिस रेशियो में इन्होंने ये काम किया था, वो रेशियो या तो इक्वल आएगा, इक्वल किसके आएगा, किसके इक्वल आएगा, वो रेशियो या तो इक्वल आएगा किसके, द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, जो आपने ऊपर ए रेशियो बी निकाला वो या तो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, उस रेशियो के जिस रेशियो में कंबाइन होके इन्होंने एक मॉलिक्यूल दिया, समझ रहे। और अगर नहीं इक्वल आया ये ए एज टू बी और ए स्टार एज टू बी स्टार, तो क्या होगा, तो जो आपका ए रेशियो बी था वो सम होल नंबर मल्टीपल आएगा नए रेशियो का, है ना, तो ए एज टू बी क्या आएगा, ए स्टार एज टू बी स्टार का कुछ होल नंबर मल्टीपल, यानी जो नंबर है ये कैसा होगा, होल नंबर होगा, तो कुछ होल नंबर मल्टीपल में आएगा। इतनी बात क्लियर है, क्या समझे आप, कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स ए और बी कंबाइन सेपरेटली अलग अलग विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन विच दे डू सो, है ना, इन्होंने जिस रेशियो में काम किया इज आइदर इक्वल टू द न्यू रेशियो, है ना, और बी द मल्टीपल ऑफ होल नंबर ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है, आइदर इक्वल टू द न्यू रेशियो और इक्वल टू द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द न्यू रेशियो, समझ गए ना। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं,
एग्जाम्पल देखो, ध्यान से एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाते हैं, और यही कार्बन और सल्फर अगर मिल जाए तो CH2 बनाते हैं। इतनी बात क्लियर? तो यहां पर A की जगह कौन है? A की जगह ऑक्सीजन है। B की जगह कौन है? B की जगह सल्फर है। और X X जो सेम वाला एलिमेंट है वो C है। इतनी बात क्लियर? चलो अब जरा यहां अगर मैं आपसे पूछूं C और O का रेशियो बताओ, तो आप कहोगे सर जी C का मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सर जी 16 होता है, लेकिन दो ऑक्सीजन है इसलिए 16 + 16 = 32। इतनी बात क्लियर है ना? चलिए यहां पे देखिए कार्बन और सल्फर का कितना एटॉमिक मास है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है बेटा, लेकिन दो सल्फर है तो कितना हो गया 64। इतनी बात क्लियर ना? पक्का है ना? चलिए अब हमको जो लॉ देखा था हमने, उसमें इन्होंने बोला था कि ए अलग एक्स से कंबाइन होता है और बी अलग एक्स से कंबाइन होता है, ओ अलग कार्बन से कंबाइन हुआ और सल्फर भी अलग जाकर के कार्बन से ही कंबाइन हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो जिस रेशियो में ऑक्सीजन और सल्फर ने ये काम किया था, अब सल्फर और ऑक्सीजन ने किस रेशियो में काम किया था, ये वाला सल्फर और ऑक्सीजन ने किस रेशियो में ये वाला काम किया था, तो आप कहोगे सर जी 32 2 जा 64 32 1 जा 32। सल्फर और ऑक्सीजन ने ये काम सर जी 2:1 रेशियो में किया था। तो अब अगर सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो करके एक कंपाउंड बना लें, एक मॉलिक्यूल बना लें, तो सल्फर और ऑक्सीजन का यहां पर जो रेशियो आएगा, निकालो जरा ये रेशियो, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32, तो ये हो गया आपका कितना 32 1 जा 32 1:1। यानी कि मॉलिक्यूल से जो रेशियो आया वो 1:1 आया और इधर से जो रेशियो आया वो 2:1 आया। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि ये जो 2:1 रेशियो आया था आपका, ये या तो इस नए रेशियो के इक्वल आएगा, भैया इक्वल तो आया नहीं, 1:1 ये वाला रेशियो है और 2:1 ये, इक्वल तो नहीं आया। तो इन्होंने दूसरी कंडीशन भी बोली, अगर इक्वल नहीं आया तो कुछ होल नंबर मल्टीपल होगा नए रेशियो का। तो अब जरा पता लगाते हैं m की वैल्यू क्या है। 2:1 को आप 2/1 लिख लीजिए, 1:1 को आप 1/1 लिख लीजिए, इनटू में m कर दीजिए। सो इस हिसाब से आपके m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया ना? चलिए एक और एग्जांपल के साथ डील करते हैं, ध्यान से देखिए दूसरा एग्जांपल। अब यहां पे क्या है, एक मॉलिक्यूल CH4 है और एक मॉलिक्यूल है CO2, एक मॉलिक्यूल है H2O। इतनी बात क्लियर है? अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इन दो मॉलिक्यूल्स में एक एलिमेंट H है जो कि C से कंबाइन हुआ, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है जो कि ये भी C से कंबाइन हुआ है। तो H और O का जो रेशियो यहां पे आएगा और H और O का जो रेशियो इनके मॉलिक्यूल से आएगा, हो सकता है वो दोनों रेशियो इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो पहला वाला रेशियो कुछ टाइम्स आएगा नए मॉलिक्यूल वाले रेशियो के, नए मॉलिक्यूल वाले रेशियो के। इतनी बात क्लियर है? चलिए इसे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे अगर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालने का सोचा, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है इसलिए 12 यहाँ पे 4 लगा देना। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32 लगा देना। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइंड हुए हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 4:32 के रेशियो में कंबाइन हुए हैं, यानी कि 1:8 के रेशियो में कंबाइन हुए हैं। ठीक, ये रेशियो आ गया अलग अलग सेपरेट सेपरेट मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, एच और ओ का रेशियो आ गया सेपरेट मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, एच और ओ का रेशियो आ गया। अब एच और ओ से बने मॉलिक्यूल में से एच और ओ का रेशियो निकालेंगे। अब यहां से अगर हम एच और ओ का रेशियो निकालें तो एच यहाँ पे 2 है, 2 ले लिया, ऑक्सीजन होता है 16 ले लिया, यहाँ पे देखा 2:8 = 16 1:8। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि जो सेपरेट मॉलिक्यूल से तुमने रेशियो निकाला था एच और ओ का, और जो एक्चुअल में एच और ओ से बने हुए मॉलिक्यूल से जो तुमने रेशियो निकाला था एच और ओ का, या तो वो इक्वल आएंगे और या फिर इक्वल नहीं आए तो पहला वाला रेशियो दूसरे वाले का कुछ टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे हमको देखने को ये मिल रहा है कि जो पहला वाला रेशियो है 1:8 और जो दूसरा वाला रेशियो है वो भी कितना है 1:8। तो इसका मतलब हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो चुका है। फिर भी एक बार लैंग्वेज दोबारा से समझा देता हूं। क्या सीखा आपने? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन,
सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट है H और O, कंबाइन करते हैं, ठीक है, सेपरेटली अलग अलग विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट जो कि है यहाँ पे C, देन द रेशियो इन विच दे डू सो, तब जो रेशियो होगा एच और ओ का, जिस रेशियो में ये कंबाइन हुए थे, कंबाइन कैसे हुए थे, 4:32 के रेशियो में, ठीक है, देन द रेशियो इन विच दे डू सो इज आइदर इक्वल टू द, इज आइदर इक्वल यहां से पढ़ो फिर यहां से पढ़ो, इज आइदर इक्वल टू द रेशियो इन विच दे कंबाइन विच ईच अदर, तो ये जो रेशियो आया था सेपरेट मॉलिक्यूल की मदद से, ये या तो इक्वल होगा उस रेशियो के जिसमें ये कंबाइन हुए, और अदरवाइज सम होल नंबर मल्टीपल होगा, अदरवाइज ये जो सेपरेट मॉलिक्यूल से रेशियो आया था ये मॉलिक्यूल से आने वाले रेशियो का कुछ टाइम्स होगा। तो हमने दोनों उदाहरण देख लिए, पहला वाले एग्जांपल में देखा जिसमें मॉलिक्यूल सेपरेट मॉलिक्यूल से आने वाला रेशियो और पर्सनल मॉलिक्यूल से आने वाला रेशियो जो था वो हमने देखा कि पहले वाला रेशियो दूसरे वाले रेशियो का कुछ टाइम्स था, होल नंबर टाइम्स, और यहां पर हमने देखा दूसरे वाले एग्जांपल में कि ये रेशियो आपस में इक्वल आ गया। कुछ इसी तरह से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इजी तरीके से एक्सप्लेन हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो कमेंट कर देना भाई, कमेंट देखो जरूरी होता है ना, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर सर कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ समझाइए, ठीक है, दो चार एग्जांपल लेकर के आइए, प्रॉपर इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आइए, तो भी मैं आपको लेकर समझा दूंगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और क्या शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप सीतापुर में रह रहे हो या सीतापुर के अलावा भी किसी शहर में रह रहे हो, ठीक है, तो अदर सिटी में भी रह रहे हो, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप सीतापुर की बेस्ट फैकल्टी के साथ, यानी ठीक है, पढ़ना चाहते हो तो आपको बिल्कुल पढ़ने का चांस मिलेगा बहुत अच्छे से और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली फी में, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स की क्लास 11, 12 की क्लास चलती है, और केमिस्ट्री की भी क्लास 11, 12 की क्लास चलती है, इसके अलावा 9th और 10th की भी क्लास चलती है। मैं आपको हर सवाल को एक नए तरीके से करने का मेथड भी समझाऊंगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, समझाऊंगा, समझ लो ना, ठीक है। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, रिफरेंस भी पढ़ाई जाती है, इसके अलावा जेईई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और नए नए तरीकों के साथ कराए जाते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में शॉर्ट तरीकों से भी जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम होंगे उनको भी बड़े आराम से बीट कर सको, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो और फीस भी बड़ी पॉकेट फ्रेंडली, बहुत पॉकेट फ्रेंडली फीस है, बस समझ आ रही नहीं आ रही, तो आप आएंगे तो आपको लेक्चर मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे भरपूर, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिलेंगे, रेफरेंस क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत हल्के से बहुत सॉफ्टली समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री का भी बहुत हल्के से बहुत सॉफ्टली समझ में आ जाएगा। आपने खुद किताब देखी होगी केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स आपने देखे, मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी फॉर्मैलिटी, कैसे कैसे जो न्यूमेरिकल्स हैं आपने देखे होंगे, बड़े लेंथी लेंथी किताब में कराए जाते हैं, बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अलग अलग टीचर्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कराएंगे, लेकिन अगर आप मेरे से वही न्यूमेरिकल सीखोगे तो मैं आपको बड़े आराम से बड़े सिंपल मेथड से उन न्यूमेरिकल्स के साथ डील करना सिखा दूंगा। चलिए खैर, और हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आप चाहें तो लिख लीजिए 9889448455, ठीक है, इस पर आप हमको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो अगर आप सीतापुर में हैं तो बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास आइए सीतापुर में, ठीक है, होली नगर पे है, अभी रिजल्ट छपे हैं वो भी लगने वाले हैं मेरे सिटी में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप अदर सिटी से, ठीक है, तो आप जूम या फिर गूगल मीट, इन दो मेथड्स हैं, इनसे आप डायरेक्ट यहाँ पे चलती हुई क्लास मेरे से गेन कर सकते हो, समझ रहे ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।